हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, काउंसलिंग के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया बता चुका हूँ साथियों, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे हम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। कई साथियों के पास रोजगार पंजीयन नहीं है जीवित, तो वो क्या करें, तो इन सब चीज़ों पर जो है मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, व्याख्याता और टीचर, सहायक टीचर, ठीक है, असिस्टेंट टीचर, इन सब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा डॉक्यूमेंट, उसको विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए क्या क्या। देखिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, मूल दस्तावेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्वप्रमाणित छाया प्रति होना चाहिए दो सेट में, ठीक है, या स्वप्रमाणित वहाँ पे जाके कर लीजिएगा आप, लेकिन दो प्रति में आपके पास सेट होना चाहिए छाया प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूल प्रति आपको लेके जाना है, मूल दस्तावेज, ठीक है, क्या लगेगा, तो दो नवीनतम पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लगेंगे, ठीक है, नया फोटो होना चाहिए आपका, लगभग एक दो मंथ पहले का भी चलेगा, ठीक है, और टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट लगेगा ओरिजिनल। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो स्नातक का मार्कशीट अगर आप स्नातक किए हो, ठीक है, जैसे आपका व्याख्याता के लिए तो ज़रूरी ही है, ठीक है ना, और व्याख्याता के लिए स्नातकोत्तर का मार्कशीट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब अगर हम टीचर की बात करें तो उसके लिए स्नातक के मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, अगर आपने आपके पास बीएड का मार्कशीट भी होना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, बीएड का मार्कशीट होना अनिवार्य है, लेकिन वो कब का होना चाहिए, एग्ज़ाम, देखिए अभी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट जो आया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी अभी का होना चाहिए, जो बीएड का मार्कशीट है वो वर्तमान का होना चाहिए। उसी तरह से छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र, देखिए मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास अगर डिजिटल फॉर्म में है तो भी बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास पुराना है, ठीक है ना, 2010 वाला आपके पास क्या है, मूल निवासी, ठीक है, जिसके लिखित उसको भरा जाता था, उसी तरह जाति प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास पुराना है तो वो भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास जाति और निवासी पुराना वाला है, ठीक है ना, तो वो भी चलेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास जाति और निवासी होना चाहिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। आगे देखते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से आगे देखिए व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, एग्ज़ाम के समय, ठीक है फ्रेंड्स, हम सभी ने जो है जो प्रवेश पत्र हमको मिला था उसको हमको संभाल के रखना है और उस प्रवेश पत्र को लेकर जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह आगे देखते हैं, देखिए यदि अगर कोई शासकीय सेवक है, ठीक है ना, तो उसको क्या लगेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई कहीं शासकीय विभाग में है तो उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र अति आवश्यक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य योग्यता, ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, इसके अलावा आपको टीटी पास होना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका टीटी पास होना अनिवार्य, ठीक है फ्रेंड, इन सब के अलावा आपके पास सीजी टीटी या सेंट्रल टीटी होना अनिवार्य है, इसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है सीजी टीटी का सर्टिफिकेट आप उसको जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट कैसे कराना है, तो जैसे आपने कभी फ़ोटो खिंचाते हैं, ठीक है ना, फ़ोटो खिंचाते हैं तो उसका क्या रहता है, वो थोड़ा सा मोटा रहता है जो पेज है, ठीक है, तो जो हम फ़ोटो खिंचाते हैं, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, उसी पेज में जो है उसको आप प्रिंट करा लीजिए, ताकि वो आपका थोड़ा मजबूत आएगा। ठीक है ना, प्रिंट करा लीजिए कलरफुल, ठीक है ना, तो उसको प्रिंट करा के रखिए सीजी टीटी का। उसी तरह सेंट्रल टीटी का भी अगर आपने पास किया है तो उसको भी जो है आप डिजी लॉकर में जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसको जो है प्रिंट कराना है और उसको प्रिंट कराकर रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होना चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय, ठीक है ना, आपके पास जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आएगा, वो ऑनलाइन आ सकता है या ऑफलाइन आ सकता है, तो जो डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है ना, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, आप अपने नज़दीकी जो थाना है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है और जो है ये सब डॉक्यूमेंट लेकर आगे
आपको जाना है, तो वो आगे प्रोसेस के अनुसार जो है ये सब होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब डॉक्यूमेंट अभी से आप रेडी कर लीजिए। ठीक है, जानकारी कैसे लगी कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और, जिनका जीवित रोजगार पंजीयन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या नहीं है, जिसका जीवित देखिए रिजल्ट आने के पहले होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नहीं है जीवित रोजगार पंजीयन, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या करें, तो मैं सिंपल कहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए जीवित रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब वो तो गवर्नमेंट क्या वहाँ पर नियम बनाती है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन वर्तमान समय में जीवित रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है। देखिए आपका जो रोजगार पंजीयन का जो सर्टिफिकेट है वो कोई मार्कशीट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपके योग्यता से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, समझिए बात को। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसका आपके इस जो आप हम एग्ज़ाम दिला रहे इससे उतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पिछले बार हाई कोर्ट में केस हुआ था, ठीक है, एक कैंडिडेट को जो है उसके पास नहीं था, ठीक है, रोजगार पंजीयन का जो ये है वो नहीं कराया था, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या कर दिया गया था, डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। तो उसने क्या लगाया, आपत्ति लगाया, ठीक है फ्रेंड्स, तो तब हाई कोर्ट का क्लियर आदेश था, हाई कोर्ट का साफ कहना है कि जो आपका रोजगार पंजीयन है, ठीक है, वो कोई मार्कशीट नहीं है, ना तो कोई मान्यता सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक आंकड़ा है कि हाँ इतने कैंडिडेट रोजगार हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपके पास रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका क्या हो जाना चाहिए, ज्वाइनिंग होना चाहिए, अगर रोजगार पंजीयन नहीं है फिर भी आपका जो है ज्वाइनिंग होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लाइक करिए जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जानकारी अन्य अपने साथियों के पास शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।